Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold and our today's topic is Chapter 16 My Silly Sister. It is a story of a little girl and his elder brother. The little girl is very naughty and do a lot of things and make her boy or her brother annoying. The boy is complaining her mother regarding her silly sister. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है 16th चैप्टर जिसका नाम है मेरी सिली बहन। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की और उसके बड़े भाई की। वो छोटी सी बच्ची जो बहुत सी शरारतें करती है और अपने भाई को परेशान करके रखती है, तो भाई अपनी मदर को कंप्लेंट कर रहा है कि तुम्हारी लड़की कितनी सिली है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी को पढ़कर क्या कहती है। My silly sister. Mother, your baby is silly. She is so very childish. She does not know the difference between the lights in the street and the bright star. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. When I open a book before her and asked her to learn her ABC, she tears the page with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. ये बच्चा अपनी मम्मा को कंप्लेंट कर रहा है कि मम्मी जो तुम्हारी लड़की है ना वो बिल्कुल ही बुद्धू है। क्यों है बुद्धू? She is very childish. Childish means बच्चों की तरह बिहेव करती है। कहते हैं बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। उसे इतना भी नहीं पता क्या? She does not know. वो नहीं जानती difference. Difference माने अंतर। किसमें? Between, बीच में। किसके बीच में अंतर नहीं जानती? Lights के बीच में। In the street, जो गलियों में light लगी है। Street माने गलियां, जो गली की light और ब्राइट स्टार्स और जो चमकते हुए सितारे हैं उसको उसी में अंतर नहीं मालूम है ना। वो कहती है वो दोनों को एक ही जैसा समझती होगी इसलिए वो ऐसा कह रहा है। व्हेन वी प्ले विद पेबल्स, पेबल्स बोलते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, बजरी जैसे होते हैं ना, तो जब भी हम खेल रहे होते हैं पेबल्स के साथ तो हम देखते, वो सी थिंक, वो सोचती है दे आर रियल फूड, कि वो सचमुच में खाना है। और वह कोशिश करती है पुट देम इन टू हर माउथ, कि वो अपने उनको मुंह में रख ले, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। अब वो कहता है व्हेन आई ओपन अ बुक, और जब मैं बुक एक कोई किताब उसके आगे खोलता हूँ, बिफोर हर, बिफोर मतलब उसके आगे खोलता हूँ और कहता हूँ, पूछता हूँ कि वो अपना पढ़ ले ए बी सी डी अपनी पढ़ ले, तो वो शी टीयर्स, टीयर्स माने फाड़ देना, द पेजेस, वो पेजेस को फाड़ देती है विद हर हैंड्स अपने हाथों से, एंड रोर्स और चिल्लाती है विद जॉय खुशी से एट नथिंग, बिना कुछ किए मतलब वैसे ही खुशी से चिल्ला जाती है पेज फाड़कर। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, ये तुम्हारी बेबी का, तुम्हारी बिटिया का तरीका है अपने लेसन को करने का, यानी अपने पाठ को करने का ये तरीका है कि उस बुक को ही वहां से फाड़ दो। व्हेन आई शेक माय हेड एट हर इन एंगर एंड स्कॉल्ड हर और कॉल्ड हर नॉटी, शी लाफ्स एंड थिंक इट ग्रेट फन। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, बट समटाइम आई कॉल आउट फादर playfully, she looks quickly about her in excitement and think that father is near. वो कहता है कि जब भी मैं शेक मतलब हिलाता हूँ my head अपना सर at her उसकी तरफ
इन एंगर, जब मैं गुस्से से अपना सर उसकी तरफ हिलाता हूँ, एंड स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड माने डांटना, और उसको डांटता हूँ, और कॉल हर नॉटी, या मैं उससे कहता हूँ कि तुम बदमाश बच्ची हो, नॉटी हो, तो वह लाफ, शी लाफ्स, वह हंसती है और सोचती है कि मैं कोई बड़ा यह मजाक उसके साथ कर रहा हूँ। एवरीबडी, हर कोई जानता है कि उसके हमारे पापा जो हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिले बट समटाइम आई कॉल आउट, जब मैं चिल्लाता हूँ जोर से या मैं पुकारता हूँ फादर, मस्ती में, प्लेफुल्ली मतलब खेल खेल में या मस्ती में ऐसी पापा करके बुलाता हूँ, तो शी लुक्स क्विकली, वो एकदम से देखती है अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, वह बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ उसे देखती है और सोचती है दैट की फादर इज नियर, वो देखती है और सोचती है कि उसके पापा, हमारे पापा बिल्कुल नजदीक ही हैं। समटाइम आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज दैट आवर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स, आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस। Only then she keeps quiet. I insist that she should call me Dada. Your baby wants to catch the moon. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. वो कहता है कि sometime, कभी कभी, I hold a class with the donkeys. मैं गधों के साथ क्लास लेता हूँ। That our washerman, कौन से गधे के साथ, जो गधे washerman मतलब कपड़े धोने वाला आदमी brings माने लाता है, to carry away, क्यों लाता है उस गधों को, किन गधों के साथ, जो कि धोबी लेकर आता है गधे, क्यों लेकर आता है, गंदे कपड़े ले जाने के लिए धोबी जो गधे लेके आता है उनके साथ मैं कभी कभी क्लास ले रहा होता हूँ, और आई वॉर्न हर, और मैं उसे वॉर्न करता हूँ, चेतावनी देता हूँ दैट कि I am the school master, कि मैं स्कूल टीचर हूं या मास्टर हूं, एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और ये उसके लिए अच्छा है, दैट शी बेटर, और उसके लिए अच्छा है कि नॉट मेक एनी नॉइज, कि वो कोई आवाज नहीं करे, मैं उसे जब डांट कर कहता हूं, ओनली देन शी कीप क्वाइट, बस उस वक्त वो चुपचाप रहती है, किस वक्त, जब वो क्लास ले रहा होता है, किसकी क्लास ले रहा होता है, गधों के साथ क्लास ले रहा होता है, कौन सी गधों के साथ, वो गधे जो धोबी गंदे कपड़े ले जाने के लिए लेकर आता है, तो वो अपनी बहन को कहता है कि मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ और अच्छा है कि तुम चुपचाप रहो, बस उस समय वो शांत रहती है, और आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और मैं उसे इंसिस्ट करता हूँ, मैं उससे बार बार कहता हूँ, प्रेरित करता हूं कि वह मुझे दादा कहकर पुकारे। Your baby wants to catch the moon, और तुम्हारी जो लड़की है ना वो चांद पकड़ना चाहती है। She is really funny, वो बहुत ही मजाकिया है। Mother, your baby is silly, माँ तुम्हारी जो लड़की है वो बेवकूफ है। She is very childish, वो बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करती है। ये स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हुई, एक महान व्यक्ति हमारे देश भारत के। तो ये थी स्टोरी एक बच्चे की जो अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायत लगा रहा है, जो अपनी मम्मी को कह रहा है कि तुम्हारी तो लड़की है वो सिल्ली है, क्यों, वो क्या क्या हरकतें करती हैं, वो उसके बारे में सब बता रहा है। आई मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से मजा आया होगा इस स्टोरी में। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं। चाइल्डिश, चाइल्डिश माने बचकाना या बच्चों जैसी हरकतें करना। पेबल्स माने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। डोंकी माने गधा। डर्टी, गंदा। एंगर, गुस्सा। एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्साहित। प्लेफुल, खेल खेल में। नॉटी, शैतान। और वॉशरमैन मतलब धोबी। रीडिंग इज फन, चलिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो भी करते हैं। व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। बेबी, छोटी लड़की, डू माने करना, विद द पेबल्स साथ, पत्थरों के टुकड़ों के साथ, व्हाट माने क्या, क्या करती थी वो लड़की पत्थरों के टुकड़ों के साथ, वो क्या करती थी, अपने मुंह में डाल लेती थी उन्हें खाना समझकर। व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक्स, वो जो लड़की थी क्या करती थी बुक के साथ, वो बुक के पेज फाड़ देती थी।
When does the baby laugh? जो बच्ची थी वो कब हंसती थी? कब हंसती थी? जब उसके दद्दा या उसका भाई उसको गुस्से से डांटता था या उसको घूर कर देखता था तो वो हंसती थी. Why does the washerman bring donkeys? Washerman donkeys को लेकर क्यों आता था? ताकि वो गंदे कपड़े आराम से ले जा सके, है ना. नेक्स्ट है टॉक टाइम. What is the funniest thing the baby does? कौन सी फनीएस्ट मतलब सबसे मजाकिया चीज थी, थिंग माने चीज, द बेबी डस जो वो लड़की करती थी वो कौन सी है, ये बताना है. डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? वाई, क्या तुम सचमुच में लगता है कि वो लड़की सिल्ली है, बेवकूफ है, ऐसा क्यों है? तो सबसे मजाकिया चीज क्या है? जब वो अपनी बुक्स के पेज फाड़ देती थी, मुझे ऐसा लगता है. और तुम्हें सचमुच में लगता है कि वो सिल्ली है? मुझे लगता है कि नहीं, वो सिल्ली नहीं है, वो तो अभी छोटी है इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करती है. नाउ लेट्स मूव एंड डांस. चलिए मूव करते हैं और डांस करते हैं. हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, फीट्स आर फॉर वॉकिंग, हिप्स आर फॉर शेकिंग, आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, हेड आर फॉर नॉडिंग, एल्बोज आर फॉर मूविंग, माउथ्स आर फॉर टॉकिंग. यू कैन मेक सिमिलर वर्सेस ऑफ योर ओन. आप इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, जैसे कि नोज आर फॉर ब्रीदिंग, है ना. इसी प्रकार मजेदार चीज थी ये भी. वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाने. फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. आपने फिल इन द ब्लैंक, ये ब्लैंक को भरना है, स्पेलिंग लिखनी है स्टोरी में जो वर्ड्स आए थे उनकी. अब ये क्या है? एस आई डबल एल वाई, सिली, है ना. ये क्या है? पी ई डबल बी एल ई एस, पेबल्स. ये क्या है? स्ट्रीट, एस टी आर ई टी एस, स्ट्रीट्स. उसके बाद क्या है? स्कोल्ड, एस सी ओ एल डी, स्कोल्ड माने डांटना. इसके बाद क्या है? लेसन्स. उसके बाद क्या है? ये नॉटी. उसके बाद क्या है? एक्साइटमेंट. उसके बाद क्या है? डोंकी. राइट, राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. इससे मिलते जुलते वर्ड आपको बताने हैं स्टोरी में से. फुलिश मतलब सिली, राइट. स्टोन्स मतलब पेबल्स. मिसचेफियस, मिसचेफियस मतलब शैतानी करने वाला, तो यहां क्या आएगा? चाइल्डिश. फैच, फैच माने होता है लाना या ढोना, तो ठीक इसी प्रकार ब्रिंग्स, है ना. यहाँ क्या होगा? ब्रिंग माने भी लाना होता है. इसी प्रकार कोई और वर्ड भी आपको अगर आते हैं तो वो आप इसमें से मिलते जुलते लिख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ये वर्ड्स दिए गए, आपको फिल करने हैं. जैसे कि द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, डैश आर हैप्पी. कौन? द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी, राइट. ठीक है, डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन. चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन. उसके बाद कहता है द डैश हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन्स. रंग मतलब रिंग का क्या हो गया? रंग. रिंग माने बजना, रंग माने बजी, है ना. तो क्या है यहां पर? क्या बजी? बेल. द बेल हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन्स. अब ये पढ़ाई करने का समय है. फिल इन द ब्लैंक. वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रन, वन फॉक्स मैनी फॉक्सेस. इसी प्रकार प्लूरल है. एड एफ यू एल टू मेक अ वर्ड. फुल एड करना है एक वर्ड को बनाने के लिए. जैसे चिल्ड्रंस आर, द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द बुक्स आर यूजफुल. ऐसे ही आगे भी आप कर सकते हैं. एड एल वाई, एल वाई एड करना है टू मेक अ न्यू वर्ड. द न्यू शूज आर लवली, ही इज रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली. ऐसे ही आगे भी. नेक्स्ट एड आई एस एच, इश, टू मेक द न्यू वर्ड. इश वर्ड को एड करना है और नया वर्ड बना देना, जैसे चाइल्डिश, फुलिश, बेबी, ठीक है ना. ठीक है, नाउ लेट्स राइट. राइट फाइव सेंटेंसेस on how you help at home. पांच sentences लिखो, आप कैसे मदद करते हो अपने घर में. जैसे I help mother in cooking, I help father in washing the bike, I also help my brother in his study,
I do lots of work in the house. आप कहते हैं say aloud. Donkey, monkey, turkey. Sister, mother, father. I am a popcorn. Put me in a pan. Shake me and shake me as fast as you can and I will pop. वो कहता है मैं एक पॉपकॉर्न हूँ, मुझे एक पैन में रखो, शेक में मुझे हिलाओ, मुझे हिलाओ जितनी तेज तेज तुम हिला सकते हो एंड आई विल पॉप, और मैं एकदम से उछल जाऊंगा, पॉप कर जाऊंगा. राइट तो ये थी हमारी स्टोरी माई सिली सिस्टर और इसकी एक्सरसाइजेस. ध्यान से करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से आप चैप्टर को रीड कर पाएंगे उतने आसानी से आप उसे समझ पाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. टेक केयर, गुड डे. आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.